हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद अपने चैनल लर्न एंड अर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको चेक बाउंस के बारे में। चेक बाउंस के क्या है, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, उसके परिणाम से आप कैसे बच सकते हो, पूरा जानकारी दूंगा। आपके मुझे कॉमेंट्स मिले हैं और इसके बारे में आपको मैं पूरा चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि अगर चेक बाउंस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है और चेक बाउंस के गलत कोर्ट केस में आपको फंसाया जा रहा है, तो उसके लिए यह वीडियो आपके आपको देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यह वीडियो आपको पूरा देखना जरूरी है, वीडियो पूरा देखिए। मैं लगातार आपके कमेंट्स के ऊपर वीडियो जो है बनाता रहता हूँ। चेक बाउंस होता क्या है, ठीक है, वो समझ लीजिए। अगर आप किसी को चेक दे रहे हो, पैसा दे रहे हो चेक के माध्यम से, इसका मतलब चेक क्या होता है, एक तरह का वो रुपया ही होता है। जिस तरह से आप करेंसी यूज कर रहे हो, नोट यूज करते हो, रुपया वगैरह, 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, उसी तरह चेक भी होता है। उसमें आप अपना सिग्नेचर कर दे रहे हो, उसमें अमाउंट लिख दे रहे हो, ठीक है, तो वो भी जो है आपका रुपया के इक्वल हो जाता है। अगर आप किसी को चेक दे रहे हो, उसमें से अपना सिग्नेचर भर के, उसमें अमाउंट भर के, उसमें डेट भर के, इसका मतलब कि आप उस व्यक्ति को बोल रहे हो कि तुम मेरे अकाउंट से इतना पैसा निकाल सकते हो, मैंने तुमको जो है परमिशन दिया है, ठीक है। अब वो व्यक्ति अगर बैंक में जाता है, ठीक है, और वो पैसा निकालना चाहता है, और आपके बैंक में अगर वो पैसा नहीं है, तो उस केस में बैंक बोलता है कि आपका चेक बाउंस हो गया, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाता है क्योंकि उसको लगता था कि चेक से वो पैसा उसको मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है। ऐसे केस में जो है वो चेक बाउंस का जो है कोर्ट में केस भी कर सकता है, और आपका आपको जो है उसका भयंकर परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुरंत केस हो जाएगा तो आपको पैसा लौटाने का मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत कोर्ट भी जो है आपको मौका देती है पैसा लौटाने का, ठीक है, लेकिन चेक बाउंस जो है एक ऐसा जो है एक परिस्थिति है जिसमें कि कुछ लोग जो है जानबूझकर लोगों को परेशान भी करते हैं। ऐसा भी मुझे कुछ कमेंट्स मिला है लोगों का, जिसके माध्यम से कोई फेक जो है चेक बाउंस का फेक जो है कोर्ट केस करने का लोग जो है धमकी देते हैं पैसा निकालने के लिए, ठीक है। ऐसा ही जो है मुझे एक कमेंट मिला है, ठीक है, आप कमेंट में आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हो, एक मुझे मैसेज किया गया था जिसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, सर मेरा एक चेक है, किसी ने मिसयूज किया है और चेक पर मेरा सिग्नेचर है, और उस बंदे ने 6 लाख का भर के बाउंस करा लिया है 2 बार, और उसने मेरे ऊपर झूठा केस में फंसा दिया है। सर मैं रात दिन टेंशन में रहता हूँ, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, सर मेरा समय का समस्या का समाधान करे। वो बंदे चेक उठा ले गया है, 2016 में उठा ले गया है, वो अब 2019 में 2 बार बाउंस कर दिया है और मेरे ऊपर केस कर दिया है, झूठा केस, सर बचने का समाधान, ठीक है। तो इस तरह का मुझे मैसेज आया है, तो मैंने इसके बारे में सोचा कि थोड़ा सा जानकारी मैं प्राप्त करता हूँ। मैंने जो जानकारी प्राप्त किया उसमें यही मैंने जानकारी मुझे मिला है कि इसमें लगभग आपको अगर सही चेक बाउंस का केस होता है तो उसमें 2 साल का सजा भी हो सकता है। चेक बाउंस का जो अमाउंट, चेक का जो अमाउंट है उसका डबल आपको देना पड़ सकता है, ठीक है, सजा के रूप में। तो ये सब आपको सजा मिल सकता है और उसका पूरा जो है जांच होता है, ठीक है, ऐसा। और ये आपका सजा, अगर आप जानबूझकर किसी को ऐसा चेक दे दिए हो और बाउंस हो गया, तो उसमें तो आपको सजा मिलेगा क्योंकि गलती आपने किया है, ठीक है। लेकिन कोई मिसयूज कर रहा है उसका, ठीक है, गलत केस कर दिया है किसी ने, ठीक है, तो उसमें जो है ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके आपको केस कर देगा, आपको सजा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको सजा क्यों मिलेगा, कोर्ट ऐसा थोड़ी करती है वो तो। हाँ, तो आपको सब चीज़ का जांच होता है, ऐसा थोड़ी है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ ऐसा मतलब कि वहाँ पर जो है कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें कि आपको उसमें सजा नहीं मिलता है, जैसे कि अगर आपने चेक सिक्योरिटी को तौर पर दिया है, मान लीजिए, तो उसमें सजा नहीं, आपने सिक्योरिटी के तौर पर अपने घर में रखा हुआ था कि ठीक है, उसका कोई गलत मिसयूज कर रहा है, तो उसमें आपको उसमें आपको उसमें आपका कोई गलती नहीं है। कोई आपके घर से अगर चेक को चोरी करके ले गया और उसको बाउंस करवा दे रहा है, तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है। आपने किसी को मान लीजिए डोनेशन दिया है चेक के माध्यम से, उसको कोई बाउंस करवा दे रहा है, उसमें आपका कोई गलती नहीं है। इस तरह का जो है यहाँ पर उस केस में जो है आपको यहाँ पर सजा जो है नहीं मिलता है।
अगर मान लीजिए चेक आपने एडवांस के रूप में दिया है तो उसमें कोई आपको सज़ा नहीं मिलता है, सिक्योरिटी के तौर पर भी जो है आपको उसमें कोई सज़ा नहीं मिलता है, ठीक है। अगर चेक में जो आपको पता है कि अमाउंट में भी रुपीज लिखा जाता है और नंबर में भी जो है रुपी नंबर में भी लिखा जाता है और जो है इंग्लिश लेटर में भी लिखा जाता है, तो दोनों में अगर डिफरेंस है, आपको डिफरेंट चीज़ लिखा हुआ है, तो उसमें भी आपका वो नहीं सज़ा मिलता है, ठीक है। किसी को आप गिफ्ट दे देते हो, डोनेशन दे रहे हो, उसमें भी नहीं है। अगर चेक आपका फटा पुराना है आपका, उसमें भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सब कोर्ट देखता है, ऐसा नहीं कि कोई भी चला गया आपको बना दिया केस तो हो गया, ऐसा नहीं है, वो साबित भी करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास जो मैसेज आया है ये बता रहे हैं कि 2016 का बात, 2016 में उसने चेक लिया। अब क्या पूरा जानकारी है तो मुझे नहीं मालूम है, जो उन्होंने मैसेज किया उसके आधार पर ही 2016 का चेक है, 2019 में बाउंस कर रहा है उसको, और 6 लाख रुपया का बात कर रहा है, तो उसको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि 6 लाख रुपया जो है उसने कभी उसको दिया है, ठीक है। उसको साबित भी ऐसे ही को आप बोल दोगे किसी को कि भाई 6 लाख हमको दिया है, आपको ये भी तो साबित करना पड़ेगा कि 6 लाख आपने उसको दिया, तभी तो आपको लौटा रहा है चेक के माध्यम से। तो ऐसे ही आप मुंह उठा के चले गए बोल दिए, तो ऐसा नहीं। अगर आपके ऊपर कोई फेक केस कर रहा है चेक बाउंस का, तो आपको ये साबित करना है कि वो चेक आपने सिक्योरिटी के तौर पर रखा हुआ है, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पर रखा हुआ था, उसको कुछ मिसयूज कर रहा है। अगर आप वो साबित कर देते हो तो जो है इस केस में आपको इसमें कोई सजा नहीं मिलता है, कोर्ट सब कुछ देखता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी गलत चीज नहीं मिलता है यहाँ पर, हमारे जो घर देश का कानून है बहुत अच्छा है यहाँ पर, जो है कोई अगर गलत किया है तो वो बच जाता है, लेकिन कोई मान लीजिए कोई निर्दोष व्यक्ति हो वो कभी भी नहीं फंसता है, इस तरह का हमारा कानून है, ठीक है। मतलब कि 10 लोग जो है गलती किए हैं वो भले ही बच जाएंगे, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति जो गलती नहीं किया है वो उसको कभी दिक्कत नहीं होता है, इस तरह का हमारा जो है देश का कानून है, ठीक है। तो इसमें कोई डर, अगर आपने गलती नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बात। आप अच्छा वकील अपने लिए कीजिए, अच्छा वकील कीजिए, वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, वो आपको हर तरह के परिस्थिति के बारे में बताएंगे और पूरा आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने जानबूझकर इस तरह का गलती किया है, गलत चेक दे दिया और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, उस केस में तो फिर जो है आपको पैसा लौटा देना चाहिए, आपको टाइम मिलता है आपको लौटाने का, ऐसा नहीं है, मिलता है आपको देना चाहिए। अगर नहीं लौटा तो उस केस उसमें आपका केस होता है, ठीक है। आपको समय मिलता है, समय मिलता है, सब कुछ मिलता है आपको, उसके बाद ही होता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत कोई मुंह उठा के गया केस कर दिया। तो ये पूरा चीज़ है, और जो भी मैंने आपको बताया, मैंने भी इसके बारे में जानकारी कुछ प्राप्त किया है, ठीक है। इसके बारे में जो भी मुझे जानकारी मिला वो मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, और कभी भी किसी परिस्थिति से घबराए नहीं, अगर गलती नहीं किया है तो घबराया मत कीजिए, मैं तो यही बोलूँगा आपको, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, और किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए दोस्तों, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। अगर फ़ोन पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर सकते हो दोस्तों, ये एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन यहाँ फॉलो कर लीजिए, और व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, और वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन डाउट एडवाइस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दीजिए। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।